टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड। वैसे तो दुनिया आर्ट और आर्टिस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन आपको थॉट्स, फीलिंग और अपने विजन को पेंटिंग में उतारने के लिए बेहतर काबिल आर्टिस्ट का होना जरूरी है। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे फेमस पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। इन पेंटिंग को देखने के बाद आप इन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट की तारीफ जरूर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 पर आता है द स्कूल ऑफ एथेंस। इटालियन रिनेसांस के दौरान बनाया गया ये मास्टरपीस रिनेसांस के सबसे खूबसूरत पेंटिंग में से एक है। इसे इटली के महान पेंटर रफिन ने 1509 से 1511 के बीच में बनाया था। पेंटिंग में एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी और फेमस फिलोसोफर को दिखाया गया है, जो बीच में दो व्यक्ति हैं, ये प्लेटो और एरिस्टोटल हैं, और नीचे पाइथागोरस हैं। ये पेंटिंग विक्टोरियन सिटी के एपोस्टोलिक प्लेस में रखी है। नंबर 9, तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस इटालियन रेनेसांस का एक और मास्टरपीस है। पेंटिंग में गॉडेस वीनस के बर्थ को दिखाया गया है। गॉड वीनस एक खूबसूरत औरत के रूप में समुद्र से निकलती है और समुद्र के किनारे पर आती है। वीनस का सुंदर चेहरा और साई पोस्चर पेंटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इस पेंटिंग को इटालियन आर्टिस्ट सैंड्रो बोटोचिली ने 1485 से 1486 में बनाया था। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस की उफिजी गैलरी में रखी है। नंबर 8, तो दोस्तों नंबर 8 पर आता है द स्क्रीन। इसे नॉर्वे के पेंटर एडवर्ड मंच ने 1893 में बनाया था। पेंटर ने कहा था कि एक दिन वो सनसेट के दौरान टहलने निकले थे, तभी अचानक सूर्य के प्रकाश ने बादलों को खून की तरह लाल कर दिया। पेंटर कहते हैं कि उस समय उन्होंने प्रकृति से गुजरने वाली एक अंत चीज को महसूस किया, और उस दिन उन्होंने जो डर महसूस किया था उसी का दृश्य उन्होंने उस पेंटिंग में उतारा है। 2004 में इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था। और हाँ दोस्तों, पेंटिंग 2 साल तक मिसिंग रही और 2006 में इसे रिकवरी कर लिया गया। ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की नेशनल गैलरी म्यूजियम में रखी है। नंबर 7, तो दोस्तों नंबर 7 पर आता है द पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी। इस पेंटिंग को 1931 में स्पेनिश पेंटर साल्वाडोर डैली ने बनाया था। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ फाइनेस्ट आर्ट वर्क माना जाता है। पेंटिंग में सॉफ्ट मेल्टिंग क्लॉक दिखाई गई है। पेंटिंग का उद्देश्य लोगों का ध्यान उनके लाइफ और टाइम की तरफ ले जाना है। कहा यह भी जाता है कि ये पेंटिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर्ड थी। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 6, तो दोस्तों नंबर 6 पर आता है ओलंपिया पेंटिंग। पेंटिंग में बेड पर लेटे हुए एक न्यूड वुमन को दिखाया गया है। उसकी सर्वेंट उनको फ्लावर देने के लिए खड़ी है, जो ओलंपिया के लिए किसी द्वारा भेजा गया है। जब पेंटिंग को 1865 में पहली बार डिस्प्ले किया गया था, तो पेंटिंग को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। उस समय की ऑडियंस को जिस बात ने हैरान किया, वो ओलंपिया की न्यूडिटी नहीं थी। इस पेंटिंग को फ्रेंच पेंटर एडवर्ड मैनेट ने 1863 में बनाया था। पेंटिंग का सब्जेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद पेंटिंग ने काफी नाम कमाया। ये पेंटिंग पेरिस के म्यूसी डे ऑर्से आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 5, तो दोस्तों नंबर 5 पर आता है ह्यूएग निका पेंटिंग। ये पेंटिंग पिकासो की मोस्ट फेमस पेंटिंग है। ये पेंटिंग स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान स्पेन में गॉर्निका के शहर में हुई बॉम्बिंग को दर्शाता है। पेंटिंग में वायलेंस और लोगों व जानवर की सफरिंग को दिखाया गया है। नंबर 4, तो दोस्तों नंबर 4 पर आता है द स्टेरी नाइट। इस पेंटिंग को डच पेंटर विंसेंट वैन गॉग ने 1898 में बनाया था। पेंटर जब एक सैनिटेरियम में रहते थे, तो एक दिन उन्होंने रूम की खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उसी का दृश्य को उन्होंने पेंटिंग में उतार दिया था। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 3, तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है क्रिएशन ऑफ एडम। इस पेंटिंग का नाम हिस्ट्री की मोस्ट रिलीजियस पेंटिंग में शुमार है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग्स में से एक है। ये पेंटिंग विक्टोरियन की 6th चैपल सेलिंग का हिस्सा है। इसे माइकल एंजेलो ने 1508 से 1512 के बीच बनाया था। पेंटिंग दिखाती है बाइबल की कहानी के अनुसार कैसे गॉड ने एडम को पैदा किया। और हाँ दोस्तों, बाइबल के अनुसार एडम को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। नंबर 2, तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है द लास्ट सुपर। इस पेंटिंग को दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट लियांडो दा विंची ने 15वीं सदी में बनाया था। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है। वो अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे हैं। पेंटिंग में उस दृश्य को दिखाया गया है जब जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम में से मेरे साथ एक विश्वासघात करेगा। तो दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड की नॉलेज में वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आप वर्ल्ड की नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है मोनालिसा। इस पेंटिंग पर सबसे ज्यादा लेख लिखा गया है, सबसे ज्यादा गीत गाया गया है, और सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली और सबसे ज्यादा पसंदीदा पेंटिंग है। इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। कहा जाता है कि एक इटालियन महिला लिसा गेराडिनी की चित्र है। इस पेंटिंग में सालों से रिसर्च होती आई है, क्योंकि इसमें रहस्य छिपे हैं।